नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर साइन पॉइंट। मैं सौरभ सारस्वत। 10 जून की लेटेस्ट अपडेट है कि इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर इंडिया पोस्ट सर्कल उत्तर प्रदेश साइकिल सेकंड का 3,951 पदों के लिए जो आवेदन लिए गए थे उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। 10 जून की लेटेस्ट न्यूज है उत्तर प्रदेश सर्कल साइकिल सेकंड रिजल्ट डिक्लेयर। इस रिजल्ट को आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ आप sarkarieexam.com के जरिए भी आप डाउनलोड कर sarkarieresult.com के जरिए भी इस रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हो। आप हमारी और हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी, वहां से भी आप इस रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हो। और तो डाउनलोड करने के बाद आपके सामने इस तरह की PDF फाइल खुल जाएगी, जहाँ से आपको सर्च बार पर जा कर के अपना नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर से भी आप इसको रिजल्ट को ढूंढ सकते हो कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खबर है ये, जिन्होंने इंडिया पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, उत्तर प्रदेश सर्कल के लिए अप्लाई किया था। तो यहाँ पर आपको डिवीजन बाई डिवीजन के जरिए आपको रिजल्ट दिया गया है और परसेंटेज के बेस पर है। आपको बताते हैं कि इंडिया पोस्ट GDS सर्कल उत्तर प्रदेश की भर्ती मेरिट बेस पर आधारित है। 10वीं क्लास की मेरिट के आधार पर यह भर्ती थी और मेरिट के आधार पर ही इस भर्ती का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इसके सामने आपके नाम के सामने आपका परसेंटेज भी दिया गया है, तो परसेंटेज के आधार पर आपका सिलेक्शन हो रहा है। सेलेक्टेड कैंडिडेट विद परसेंटेज के साथ आपका नाम दिया गया है। और इसमें आप अपना नाम सर्च करके या रजिस्ट्रेशन नंबर से सर्च करके अपना सिलेक्शन देख सकते हो कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। इसमें देखिए, ये अलीगढ़ डिवीज़न में है। अलीगढ़ डिवीज़न ये एप्लीकेशन नंबर है। इसके साथ ये शुभम चौधरी है, इसकी परसेंटेज आपको दी गई है 95% OBC से है। तो इस प्रकार बहुत लंबी ये PDF फाइल है, जहाँ से आप अपना नाम सर्च करके आप ढूंढ सकते हो। जैसे कि जब आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था तो उसके समय आपको चॉइस प्रीफ्रेंस मांगी होंगी, 5 चॉइस प्रीफ्रेंस मांगी थी, फर्स्ट चॉइस, सेकेंड चॉइस, थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस और फिफ्थ चॉइस। तो आपने जिस हिसाब से प्रीफ्रेंस चॉइस की थी उसी हिसाब से आपको अच्छी मेरिट के आधार पर, अच्छे नंबर के आधार पर आपको फर्स्ट चॉइस मिली है। उसके आधार पर आपको चॉइस प्रीफ्रेंस के आधार पर आपकी पोस्टिंग की गई है। तो इस प्रकार से आप इस रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते, हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। साथ sarkarieexam.com के जरिए आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और साथ में आप ऑफिशियल वेबसाइट इंडिया पोस्ट GDS ग्रामीण डाक सेवक ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों ये खबर आपके लिए बहुत अहम है। दोस्तों आज की लेटेस्ट अपडेट, इंडिया पोस्ट GDS का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।